तो आज अपन बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें स्टॉक प्राइस 76.35 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर वो 1.36% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक के अंदर 14% की तेजी देखने को मिली है। अगर अपन बात करें पिछले एक साल के अंदर भी यहाँ पर स्टॉक के अंदर 397% की मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो 397% की यहाँ पर अभी तक आपको अब ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। कंपनी को लेकर अपडेट आई है, कंपनी के जो Q4 है उसकी अर्निंग्स आ गई है। अगर बात करें कंपनी के जो अर्निंग्स की, तो कंपनी ने Q3 के अंदर जहाँ कंपनी की टोटल जो इनकम थी वो 24,635 था 24,635 करोड़ की थी, वो बढ़कर 27,763 12% जंप इसमें देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 2,263 करोड़ का था, वो बढ़कर 2,811 करोड़ का हो गया। 24% का जो जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर 3.31 रुपीज़ से बढ़कर 4.11 रुपीज़ देखने को मिला, 24% का जंप इसमें देखने को मिला। पिछले साल के क्वार्टर फोर के अंदर जो कंपनी की टोटल इनकम थी 19,353 थी, वो बढ़कर 27,763 43% का जंप इसमें देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 1,557 करोड़ से बढ़कर 2,811 80% का वृद्धि इसमें भी देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर 2.30 से बढ़कर 4.11 आपको देखने को मिल रहा है, 78.70% की वृद्धि इसमें भी देखने को मिली है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो 81,754 करोड़ की टोटल इनकम हुई है, वो बढ़कर 2023 के अंदर 97,078 करोड़ की देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 5,265 करोड़ से बढ़कर 8,511 61% का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और अर्निंग पर शेयर 7.77 से 12.45 यानी 60% तक कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया। अगर आप एनपीए की बात, तो कंपनी का ग्रोस एनपीए क्वार्टर फोर 2022 के अंदर 11.11 था, वो क्वार्टर थ्री 2023 के अंदर 7.73 और क्वार्टर फोर 2023 के अंदर 7.53 यानी ग्रोस एनपीए कंटिन्यूसली आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है और नेट एनपीए भी आपको कंटिन्यूसली डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी पॉजिटिव जो है ये आप इसको मान सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के स्टॉक के लिए, तो यहाँ पर अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें कंपनी के जो फंडामेंटल है उनको जरूर से एनालिसिस करें और अपने रिसर्च के ऊपर ही इसमें निवेश करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।